वही प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय पहुंचे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने उनके ऊपर हुई एफआईआर को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। पूर्व मंत्री का कहना है कि भाजपा सरकार ने मामला दर्ज करके अपनी छोटी मानसिकता का परिचय दिया है। वर्मा ने कहा कि सरकार लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रही है और एफआईआर का डर दिखाकर आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। सज्जन ने चुनौती देते हुए कहा कि सरकार एक नहीं 10 एफआईआर दर्ज कर ले, कांग्रेस के लोग एफआईआर से नहीं डरते। मैं वहां कांग्रेस की तरफ से जा रहा था, इन्हीं का विधानसभा क्षेत्र बुद्धि विधानसभा पांडा गांव के पास, मैं देखा कुछ हैरान परेशान लोग खड़े थे। मैंने कहा भाई क्या बात है, क्या हो गया? बोले साहब ये मुख्यमंत्री जी के इंतजार में पुल से हम गुजर नहीं पा रहे, जब तक उनका फोटो नहीं लगेगा यहाँ वो उद्घाटन नहीं करेंगे, हमें 30 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ेगा। मैंने चलिए मैं चल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ इस पुल से, आइए मेरे साथ। ये पुल चालू हो गया, इसमें मुख्यमंत्री को खुश होना चाहिए कि उसके क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिली, पर ये कमजोर मानसिकता का मुख्यमंत्री, मैं शिवराज चौहान 10 FIR कर दो, हम जैसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। मैं वहां